आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट और रुई से भी ज़्यादा नरम दही भल्ले। तो फ्रेंड्स, होली आने वाली है, सभी अपने घरों में ये दही भल्ले बनाते हैं, लेकिन इनको इतना सॉफ्ट कैसे बनाना है, इसका सीक्रेट मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। चलिए ये दही भल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना। ओके, तो चलिए, इसके लिए हमने जहाँ दाल ले ली है, एक कटोरी आपने उड़द धुली लेनी है, एक कटोरी आपने लेनी है मूंग धुली, दोनों का मेजरमेंट सेम रखना है। उसके बाद आपने इस एक बाउल में डालना है, दोनों दालों को मिक्स कर देना है और इसे 3 से 4 बार अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि ये दाल जो होती है ना धुली वाली, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा झाग आती है। तो इसे 3 से 4 बार अच्छी तरह से वॉश करके उसके बाद आपने पानी की मात्रा जो है इसमें ज़्यादा डालनी है, क्योंकि ये दाल जो है अपने साइज़ में पूरी भीगने के बाद डबल हो जाती है। ओवरनाइट भिगा के रख लीजिए, नई टाइम है तो 4 से 5 घंटे तो इसको भिगाना ही है। तो जान देखिए, दाल अच्छी तरह से सुपर सॉफ्ट हो चुकी है, पूरा साइज़ में डबल हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक जाली में डाल के और जितना ही पानी उसका निकाल देना है, और उसके बाद इस दाल को आपने ग्राइंड करना है। बहुत ज़्यादा पानी इस दाल में नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब इसमें डालेंगे अदरक, मैंने थोड़ा सा डाला है, और 3 से 4 हरी मिर्च डाल देनी है, और डालना है इसमें जीरा, नमक आपने डालना है स्वाद के अनुसार, चाहो तो आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हो। तो अब देखिए, हमारा एक फाइन पेस्ट रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इसमें दाल जो हमने दोनों डाली है, मोस्टली आपने देखा होगा कि उड़द की दाल के ही भल्ले बनते हैं, लेकिन अगर आप मूंग की दाल भी इसमें ऐड कर देते हो तो फ्रेंड्स, इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही बढ़िया बन जाता है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच हमने इसमें बेसन के डालने हैं। क्यों डालने हैं? इससे क्या होगा कि जब हम इसमें डाल देंगे तो फ्रेंड्स, इसका जो टेक्सचर है ना बहुत ही बढ़िया बनता है, बिल्कुल मार्केट जैसे ये दही भल्ले बनते हैं। अब इसको अच्छी तरह से आपने फेंटना है ताकि ये इसमें एयर भर जाए। तो जब तक ये हमने दही भल्ले को थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं, और अब ये इमली की चटनी बना लेते हैं जो इसके ऊपर डालनी है। तो ये इमली को भी मैंने 1/2 आवर के लिए भिगा दिया था अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, इसको आपने थोड़ा अच्छी तरह से मसल लेना है, और उसके बाद इसको बनाना कैसे है, इसमें हम ऐड करेंगे गुड़। मैंने जैसे देखिए, आधा गुड़ डालना है, आधी चीनी डालनी है। और आप सोच रहे होंगे कि इनको एक ही साथ ऐसे क्यों डाल दिया है, कि इसका पल्प क्यों नहीं निकालना है? तो फ्रेंड्स, रुकिए, जरा बनने तो दीजिए। तो अब इसमें डालेंगे दोनों तरह के नमक, वाइट नमक भी डालना है, ब्लैक नमक भी डालना है, थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया है। उसके बाद ये अब कलर देने के लिए इसमें डाली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। तो फ्रेंड्स, आप इसमें थोड़ा सा तीखा ज़्यादा करना है तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब मैंने इसे गैस पर चढ़ा दिया, इनको पूरे अच्छी तरह से आपने बॉयल करना है, कम से कम भी 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट में इसका पूरा जो इमली का पल्प है उसका रस निकल आता है, गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाता है। तो अब आपने डाल देनी है चीनी, क्योंकि जो इमली की चटनी होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मीठा जाता है, इसलिए मैंने आधी गुड़ डाला है, आधा चीनी डाली है। तो चलिए, अब इसको कर लेते हैं, छान लेते हैं अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, ऐसे अगर आप इमली की चटनी बनाते हो ना, तो एकदम स्मूथ टेक्सचर बनता है, क्योंकि जिस बॉटल में आपने डालनी है, कई बार आप बाद में अगर ये चीज़ें छान के करते हो, बोतल से निकलने में मुश्किल होती है। तो ऐसे आप अगर आप बनाओगे ना, किसी भी चीज़ में डाली, एकदम स्मूथ टेक्सचर चटनी का बनता है। इस अच्छी तरह से आपने ऐसे मसल के इसको अच्छे से छान लेना है। तो जहाँ देखिए, बहुत ही बढ़िया हमारा पल्प बनके हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको फिर से उसी बाउल में डालना है और 2 से 3 इसको बॉईल देने हैं, मतलब उबालना है इसको, थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। तो फ्रेंड, देखिए, हमारी चटनी बहुत ही बढ़िया बनी है, और इसको थोड़ा सा पतला ही रहने दीजिए, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये फिर थोड़ी थिक हो जाती है। तो इस कंडीशन में आपने बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। तब तक चलिए, भल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया रिफाइंड ऑयल, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देना है, और थोड़ा सा चेक कर लेना है कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए आपने थोड़ा सा इसमें मिक्सर डालना है, और जब अगर फ्राई होकर ऊपर आ गया तो इट मीन्स ऑयल जो है एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है। तो जहाँ एक पतीले में पहले से ही आपने पानी रखना है, और उसमें अपने फ्लेवर के लिए मैंने हींग डाल दी है। उसमें क्या करेंगे, जैसे ही हमने दही भल्ले बनाने हैं, उसके बाद इमीडिएटली आपने पानी में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जानते कि मैं हाथ से ही डाल रही हूँ, और ये अपने आप जो शेप है वो ले लेते हैं, और इन्हें आपने लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है।
बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आने वाले जो मेहमान हैं आपके घर में वो भी बड़े खुश हो जाएंगे। सब पूछेंगे कि आपने मार्केट से लाए हैं, तो फिर आप कहना नहीं भाई हमने खुद बनाए हैं। तो जहाँ देखिए मैंने गोल्डन ब्राउन हो चुके, उसके बाद आपने इसे जाली में निकाल लेना है और इमीडिएटली इसको जो पानी हमने रेडी किया जिसमें हमने हींग डाली थी उसमें हमने ट्रांसफ़र कर देना है। आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हो, इसका कलर बड़ा अच्छा से आ जाता है। टोटली चॉइस है आपकी, है ना। तो देखिए सेकंड बैच भी मैंने इसमें डाल दिया है और उसके बाद जो है इसको भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने देना है। तो फ्रेंड्स, इसका कलर जो है ना ज़्यादा डार्क नहीं करना है, ऐसे ही गोल्डन रहने देना है। तो ऐसे ही आपने सारे फ्राई कर लेने हैं और उसके बाद जो है फ्रेंड्स हमने दही भी रेडी करना है जिसमें ये हमने डालने हैं। तो इनको पानी में कम से कम 10 से 15 मिनट भिगा के रखना है। तो ये देखिए मार्केट का मैं दही लाई हूँ, 1 किलो दही में हमने इनको भिगा के रखना है। तो दही को आपने डालना है एक बड़े बाउल में डालना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद इसमें क्या करना है, आपने चीनी डालनी है। अगर तो चीनी थोड़ी कम डालोगे उतना फ्लेवर नहीं आएगा, इसलिए थोड़ी सी चीनी तो ज़्यादा डालनी पड़ेगी क्योंकि बिल्कुल मार्केट जैसे हमें दही भल्ले बनाने, बल्कि मार्केट से भी ज़्यादा बढ़िया बनाने हैं, इसलिए इसमें मैंने चीनी डाल दी है। और अब इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, तो और आप चाहो तो इसमें दूध भी डाल सकते हो। तो जान देखिए मैंने नमक डाल दिया, वाइट डाल दिया, ब्लैक नमक भी डाल देना है, थोड़ी सी इसमें डाल देनी है काली मिर्च और इनको अच्छी तरह से आपने कर लेना है मिक्स। ओके, तो ये देखिए हमारा दही एकदम रेडी हो चुका है। आप चाहो तो इसमें, क्योंकि अभी तो मौसम ठंडा है और अगर थोड़ा गर्म हो तो इसमें आप आइस भी डाल सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, ये दही भल्ले जो 15 मिनट के लिए इस पानी में पूरे अच्छी तरह से सोख हो चुके हैं, आपने अपने हाथ में इसको रख के थोड़ा अच्छे से प्रेस करना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकालना है, लेकिन जितना भी एक्स्ट्रा पानी उसको निकाल के उसके बाद आपने इसको दही में डालना है। दही में डालने के बाद क्या होगा कि ये इसको 10 मिनट के लिए फिर आप फ्रिज में रख देना, अच्छी तरह से ये दही इस जो भल्ले हैं एब्जॉर्ब कर लेंगे। बहुत ही बड़े जूसी सॉफ्ट हमारे दही भल्ले रेडी हुए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो एक ट्रे लेनी है छोटी जिसमें सर्व करना है आपने, उसमें ये भल्ले आपने डालने हैं और उसके ऊपर डालनी है इमली की चटनी, फिर थोड़े से मैंने उबले हुए आलू डाले हैं, उबले हुए छोले हैं वो भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स टोटल अपनी आपकी क्रिएटिविटी है ये कैसे इसको डेकोरेट करना। उसके बाद आपने डालना है थोड़ा सा रायता का मसाला आता है वो डाल दिया मैंने, इमली की चटनी डाल दिया और उसके बाद डालना है इसके ऊपर जो सेव आते हैं इसको क्या कहते हैं, प्लास्टिक सेव बोलते हैं, हाँ इसको डालना है। उसके बाद थोड़ी सी और इमली की चटनी डाली, आप चाहो तो इसके ऊपर ग्रीन चटनी भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे ना उतना स्पाइसी नहीं चाहिए तो मैं ऐसे ही सर्व कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया बन के ये रेडी हुए हैं। तो फ्रेंड्स देर मत कीजिए, ये जल्दी से ये दही भल्ले बनाना और मेरी रेसिपी से ट्राई करना और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करना कि कैसे बने। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, अच्छी लगी है लाइक करना है और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है। पूरे फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।